हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पाकिस्तान को दोस्तों इंडिया ने उनकी भाषा में जवाब दिया है और बहुत ही करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को उसकी औकात जो है अभी बता दी है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। फिलहाल दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड वाला बटन दबा के, और दोस्तों यहाँ पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज तकरीबन सुबह मिराज 2000 जो इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है, उसने दोस्त करीबन 12 12 एयर एयरफ एयरफ इंडियन एयरफोर्स के जो 12 मिराज प्लेन है उनके द्वारा करीबन 15 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों जैश के जो आतंकी हमले बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर दोस्तों जो एलओसी है उस एलओसी से तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर यानी कि अंदर घुस के पाकिस्तान के यहाँ पे आतंकवादियों को जो ठिकाना है बालाकोट के अंदर तकरीबन जैश ए मोहम्मद और उसके कमांडर जो है वहां पे हमला किया है। और बहुत सारे मतलब 1000 किलो से भी ज्यादा का बम यहाँ पे बारूद यहाँ पे गिराया गया है और अच्छा खासा उन लोगों का यहाँ पे नुकसान किया गया है। और तकरीबन न्यूज के माने तो यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 300 से 200 लोगों को यहाँ पे हमले में आतंकी मारे गए हैं और यहाँ पे बहुत से कमांडर है जो जैसे मोहम्मद के वहाँ पे मारे गए। तकरीबन ये एयर स्ट्राइक जो दोस्तों ये शुरू हुई है सुबह 3:50 से शुरू हुई थी और 4 और 5 को ये एयर स्ट्राइक जो है खत्म हो गई थी। पाकिस्तान दोस्तों कुछ एक्शन ले, अपने पाकिस्तान ने अपने कुछ एयरफोर्स के जो विमान है उन्होंने तैयारी करी, लेकिन वो पाकिस्तान कुछ करे इससे पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन है मिराज 2000 वो वापस अपनी जगह पे आ गए। तो इस वजह से दोस्तों अब पाकिस्तान जो है ये नहीं बता रहा है कि आखिर कितने लोग मारे गए या फिर क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इतना ही कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी क्रॉस किया। तो पाकिस्तान हालांकि दोस्तों कोशिश करता है कि न्यूज़ छुपाए, लेकिन दोस्तों उन लोगों की ये औकात नहीं है कि वो लोग न्यूज़ छुपा सके। तो इस तरह दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों कामगिरी की करी है। और दोस्तों ये तो इंडियन एयरफोर्स है, जहाँ पे जो भी रक्षा मंत्री है इनका कहना है कि दोस्तों ये तो सिर्फ एक मतलब शुरुआत है, अगर पाकिस्तान अगर और भी हरकत करता है तो दोस्तों और भी इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिल सकता है। तो पुलवामा के हमले के 14 दिन बाद ही दोस्तों 14 उसके दूसरे दिन वड़ा प्रधान जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा था कि हम उसका जवाब देंगे, और तब से लेके आज तक जो तैयारी चल रही थी और इसी तैयारी की वजह से आज जो है ये सक्सेसफुल स्ट्राइक हो सकी है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की स्ट्राइक हुई थी और आशा है कि दोस्तों अगर और भी पाकिस्तान को इस तरह जवाब जो है मिलते रहे, ताकि दोस्तों दूसरी दूसरी बार जो है पाकिस्तान ऐसी ऐसी कोशिश जो है ना करे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक दोस्तों हमारे हर एक इंडिया में दोस्तों सारे लोगों को यहाँ पे वीडियो पहुँचाए, ताकि सबको पता चले कि हम इस बार दोस्तों बातों से लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। तो इस बार दोस्तों करारा जवाब जो मिला है, अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप बस लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।